साहब, कलेक्टर साहब डॉक्टर किरण पाटिल की छत्र छाया में चल रहे हैं क्या? क्या कलेक्टर ही चोर है? क्या डॉक्टर किरण पाटिल ही चोर है? ये सवाल जनता पूछ रही है। शिंदे, फडणवीस, पवार, जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है उसमें भ्रष्टाचार अपनी एकदम उच्च स्तर के ऊपर है। जो लोक सेवक है, जो हमारे नौकर है, जिनको हम हर महीना हमारे खजाने से पगार देते हैं, ये भी जो है तो बहुत ही मस्ती में हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं 4 साल से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहा हूँ। पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया मैं बायोडीजल के मुद्दे के ऊपर संघर्ष कर रहा हूँ। राष्ट्रीय महामार्ग पर मलकापुर नांदुरा हाईवे के ऊपर 25 अवैध बायोडीजल केंद्र शुरू है। ज्वलनशील साटा हाउस ये कर रहे हैं, जीएसटी नहीं पे करते, इनकम टैक्स पे नहीं करते। लिखित पुरावे, लोकेशन फोटो वीडियो पुरावे के साथ 1000 से ज्यादा मैंने ट्वीट किया हूँ, अनेक तकरारें आंदोलन किया हूँ, अधिकारियों से चर्चा किया हूँ। तो पूनम थोरात निरीक्षण अधिकारी जो हमारी नांदुरा की, वो कहती तुमसे जो होता कर लो, पत्रकार को इस तरह धमकियां दे रही है। इसके अलावा डॉक्टर किरण पाटिल जो हमारे बुलढाणा जिला के कलेक्टर है, इनसे फोन पर बात करो तो फोन ब्लॉक कर देते। फिर जब मैंने फोन करके एक अदब से उनसे बात किया कि मैं जागृत मालक का संपादक बात कर रहा हूँ, आपने पत्र दिए थे बायोडीजल का 26 नवंबर को, उस पर अब तक आपके नीचे के अधिकारी ने कुछ कार्रवाई नहीं किए है ना, तो ये जो है तो चिढ़ने लगे। और मेरा ये कहना है कि मेरे तक जो जानकारी आई है कि 25 अवैध बायोडीजल केंद्र जो है चल रहे, 2-2 लाख रुपए की हफ्ता वसूली वहां से हो रही है, 50 लाख रुपया महीने का जो है हफ्ता वसूली की मेरे पास खबर है। तो इससे साबित ये होता है कि डॉक्टर किरण पाटिल जो हमारे बुलढाणा जिला के कलेक्टर है, ये पूरा हफ्ता वसूली उनके पास जाता है, इसीलिए वो गुस्सा कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। मैं अभी आपको इसके साथ में रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ। एक कलेक्टर जो है तो कितने निचली स्तर पे गिर चुका है भ्रष्टाचार की वजह से, और ये तो सिर्फ एक मुद्दा है, बाकी जो है रेती तस्करी और अनेक कितने इल्लीगल काम बुलढाणा जिले में चल रहे हैं, ये सब कलेक्टर साहब डॉक्टर किरण पाटिल की छत्र छाया में चल रहे हैं क्या? क्या कलेक्टर ही चोर है? क्या डॉक्टर किरण पाटिल ही चोर है? ये सवाल जनता पूछ रही है। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र के विषय में 26 तारीख। अरे कितने जन फोन करेंगे, ये क्या मतलब है? क्या सर आप ब्लॉक करके दे रहे? आप कलेक्टर है क्या? आपके जिले में क्या चल रहा है, कुछ है कि नहीं आपके पास? बात मत कर, चल छोड़। ऐसी बात करते है क्या तू? कैसी बात करो सर? ए सर, आपको पगार देते हैं, हम मालक है, पगार मिलती है ना। अरे नेटवर्क नहीं है ना।